हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू जीके क्लास। टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 किया था, जिसमें आपका फ्लावर था और उस फ्लावर के पार्ट्स को हमें मेंशन करना था। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 है आपका प्लांट क्विज। ठीक है, इसमें आपका प्लांट का कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपको सॉल्व करने हैं। और इसमें बताया गया है किस जगह कैसा प्लांट मिलता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्लांट क्विज फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लांट। आई हैव गिवन क्लूज एंड आंसर ऑप्शन इन इट। यहाँ कहा गया है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ प्रिपेयर किए गए हैं प्लांट के बारे में और उनके क्लूज भी दिए हुए हैं। आप इन दोनों ऑप्शंस में से जो सही है उस ऑप्शंस पे टिक लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन है टिक दी करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन 1 है आपका अ डेजर्ट प्लांट मोस्ट ऑफ विच लैक लीव्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। देखिए, डेजर्ट में कौन सा प्लांट हमें मिलता है, कैक्टस मिलता है या मैनग्रोव मिलता है? तो कैक्टस मिलता है, कैक्टस में टिक करेंगे। द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना ट्री कौन सा है? ऑप्शन ए जनरल शर्मन ट्री, ऑप्शन बी एक्वेटिक प्लांट। तो आंसर होगा जनरल शर्मन ट्री। ठीक है, थर्ड है आपका अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ऑल प्लांट कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमें ग्रीन पिगमेंट प्लांट में मिलता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं उनको क्या कहते हैं, फंगी या फिर क्लोरोफिल, तो उसे कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, फोर्थ है आपका अ जापानीज आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्रॉप फ्री एंड सर्व इन पॉट्स। जापान में जो आर्ट है आपका ड्रॉप फ्री और सब्स को उगाने का, उसको क्या कहते हैं, बोनसाई या कैक्टस, उसे कहते हैं बोनसाई, ऑप्शन ए। ठीक है, फिफ्थ है नेचुरल केमिकल फाउंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो नेचुरल केमिकल हमें फ्रूट और वेजिटेबल में मिलता है वो क्या होता है, फैट होता है या विटामिन्स होता है? तो वो विटामिन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो द प्लांट ग्रो इन वाटर, उसे क्या कहते हैं, जो प्लांट पानी में उगते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, सेवेंथ है द ओनली ट्री विच कैन ग्रो इन सॉल्टी वाटर, दे हैव स्पेशल रूट दैट हेल्प देम टू टेक इन ऑक्सीजन। एकमात्र ट्री जो नमकीन पानी में उगता है उसे हम मैनग्रोव कहते हैं। ठीक है, चलिए, एट्थ है आपका द मेडिसिन पेनिसिलिन कम्स फ्रॉम द प्लांट दैट डज नॉट हैव फ्लावर। जो मेडिसिन पेनिसिलिन है वो कहाँ से मिलता है हमें, वैसे प्लांट से मिलता है जिसमें कि फूल नहीं होता है, तो वो प्लांट है हमारा फंगी। ठीक है, चलिए चैप्टर 4 में आए, तो चैप्टर 4 है आपका नोन फोर। यहाँ कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सम एनिमल्स आर नोन फॉर देयर स्पेशल क्वालिटीज। कुछ एनिमल्स में अलग अलग तरीके के क्वालिटीज होते हैं, उन क्वालिटीज के नाम से ही उन्हें जाना जाता है। तो वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द हेल्प सेल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ हेल्प सेल से आप सही आंसर चुन करके इसमें फिल करोगे। तो देखिए, फर्स्ट है आपका अ बी इज नोन फॉर, जो एक मक्खी होता है वो किसके लिए जाना जाता है, वो अपने एक्टिवनेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, ए सी टी आई बी ई एन ई डबल एस, ए सी टी आई बी ई एन ई डबल एस। क्वेश्चन 2 है अ डॉग इज नोन फॉर, एक कुत्ते को किसके लिए जाना जाता है, फेथफुलनेस के लिए जाना जाता है, एफ ए आई टी एच एफ यू एल एन ई डबल एस। ठीक है, थर्ड है अ फॉक्स इज नोन फॉर, फॉक्स को किसके लिए जाना जाता है, क्यूनिंगनेस के लिए, वो बहुत चतुर होता है। ठीक है, तो सी यू डबल एन आई एन जी एन ई डबल एस, क्यूनिंगनेस। फोर्थ है एन एलिफेंट इज नोन फॉर, एलिफेंट को किसके लिए जाना जाता है, एलिफेंट को मेमोरी के लिए जाना जाता है, उसे बहुत कुछ बहुत लंबे समय तक याद रहता है, इसमें लिखेंगे हम एम ई एम ओ आर वाई मेमोरी। चलिए,
नेक्स्ट है आपका मंकी इज नोन फॉर, मंकी हमें किस चीज के लिए जाना जाता है, तो मंकी जाना जाता है मिसचीफ के लिए, MISCHIEF मिसचीफ। सिक्स्थ है आपका अ बैट इज नोन फॉर, बैट जो चमगादड़ होता है वो किसके लिए जाना जाता है, वो ब्लाइंडनेस के लिए जाना जाता है क्योंकि उसे अंधेरे होने के सॉरी अंधेरा होता है तो ही दिखाई देता है, दिन के उजाले में उसे दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो BLINDNESS ब्लाइंडनेस। सेवेंथ है अ स्नेल इज नोन फॉर स्लोनेस, जो स्नेल होता है वो किसके लिए जाना जाता है, वो स्लोनेस के लिए क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अ म्यूल इज नोन फॉर, जो गधा होता है वो किसके लिए जाना जाता है, गधा जाना जाता है वो अपने जिद्दीपन के लिए, वो बहुत जिद करता है। ठीक है, तो स्टबनेस STUBBORNESS। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आज मैंने करवाया, आप स्टूडेंट्स इसे कॉपी में नोट डाउन करोगे। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 कैसे लिखना है, तो हम लिख देंगे इसमें कि ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर और ये चार नाम हम उसमें नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, चैप्टर 3 आपको पूरा नोट डाउन करना है कॉपी में और 4th को भी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।